नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर एक चल रहा है और उस चैप्टर का नाम है सिंगल या फिर यूनिट या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। इसकी थ्योरी हम करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है और इजी सा ये कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सिंगल कॉस्टिंग। पहले तो सिंगल कॉस्टिंग को आप डिफाइन करो। फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस इट इज़ सुटेबल। कौन से बिजनेस के लिए, किस तरह के बिजनेस के लिए सिंगल कॉस्टिंग सुटेबल है, और आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिंगल कॉस्टिंग की भाई डेफिनेशन क्या है। सिंगल कॉस्टिंग इज़ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहली बात, वो बात, ये कॉस्टिंग करने का एक तरीका है। इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच कॉस्ट इज असर्टेन्ड, जिसमें हम एक कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। असर्टेन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना पर यूनिट। एक यूनिट की हम निकालते हैं इसके अंदर, एक यूनिट की कॉस्ट इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ सिंगल आउटपुट इन कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। यानी एक यूनिट की, ठीक है, एक सिंगल आउटपुट, एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट की क्या कॉस्ट है वो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, और वो भी कब, जब कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। जो पिछले समय का कुछ डेटा है उसके आधार पर हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे कोई कंपनी है और वो सपोज एक ही तरह की पेंसिल बनाती है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, लगातार बिल्कुल लगातार प्रोडक्शन होते चले जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएगी। प्रीवियस डाटा के आधार पर हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा आपका सिंगल कॉस्टिंग। किस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बिजनेस सुटेबल है। इट इज़ सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, जहाँ जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लगातार हो रहा हो, एकदम कॉन्टीन्यूस, बीच में उसमें ब्रेक्स ना हो, और यूनिफॉर्म होना चाहिए प्रोडक्शन, यानी कि एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर वेरिएशन नहीं होने चाहिए कि 1000 पेंसिल अलग तरह की, फिर अगली 1000 पेंसिल अलग तरह की, फिर अगली 2000 पेंसिल अलग तरह की, इस तरह से अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, और जो उसकी यूनिट है, मतलब जैसे कि किलोग्राम है तो सिर्फ किलोग्राम चलता रहे, पीसेज है तो सिर्फ पीसेज चलता रहे, LBS है तो सिर्फ LBS चलता रहे, और अगर मीटर है तो सिर्फ मीटर चलता रहे, इस तरह से जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए। एंड कॉस्ट यूनिट्स आर फिज़िकल एंड नेचुरल, और जनरली वो क्या होने चाहिए, वो फिज़िकल होने चाहिए, यानी कि आप उसको देख सकें, छू सकें, और नेचुरल होने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई नेचुरल होने चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट है वो प्राकृतिक होना चाहिए, यानी कि आपने ज़मीन वमीन से कहीं से खोद के निकाला हो। समझ में आ जाएगा आपको तुरंत अभी जब हम देखेंगे एग्जांपल्स। आइए देखते हैं एग्जांपल्स क्या कहते हैं। जैसे कि ब्रेवरीज, यानी कि शराब बनाना। अब जो शराब बनती है, या इसको लोग जैसे बोलते हैं बियर बनाना, बियर शराब एक ही बात है, तो ये जनरली किससे बनती है, ये बनती है फलों से और अनाजों से, सब्जियों से, इस तरह से ये बनती है। तो इसके अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल हो गए। फिर है ईंटें बनाना, ये ईंट बनाने का बिज़नेस हो गया, और ये शराब बनाने का बिज़नेस हो गया। इसी तरह से है क्वेरीज, यानी कि खदानें। आप खदानों में से, ज़मीन से आप कुछ भी निकालें, और उस तरह का बिज़नेस हो गया। फिर हो गया आपका सीमेंट वर्क, सीमेंट ये बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, इनको इतना बारीक पीसा जाता है, इतना बारीक पीसा जाता है कि वो सीमेंट बन जाती है। चीनी का जो बिज़नेस है, वो चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है। पेपर मिल यानी कि कागज़ किससे बनता है, पेड़ों से बनता है, तो जो पेड़ है वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इस तरह के बिज़नेस के अंदर, अब जैसे हमने पेंसिल का भी एग्जांपल लिया, तो पेंसिल किससे बनती है, लकड़ियों से बनती है, और ग्रेफाइट से बनती है,
ग्रेफाइट क्या है, वो ज़मीन से निकलता है। तो इस तरह से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम काम करेंगे, तो उस तरह के बिजनेस के अंदर सिंगल कॉस्टिंग जो है वो इस्तेमाल होता है ज़्यादा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। हाउ स्टॉक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ स्टॉक्स आर बीइंग ट्रेडेड इन सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि जो स्टॉक है, अब स्टॉक किसी भी तरह का हो सकता है, उसने कोई बताया नहीं स्पेशली, तो हम सभी स्टॉक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट बताएंगे हम स्टॉक्स की, तो वो किस किस का बताएंगे, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि आपका अधूरा माल, और फिर फिनिश गुड्स यानी कि बना हुआ माल, पूरा बना हुआ माल। तो इस तरीके से हम तीनों तरह के जो है स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है रॉ मटेरियल, यानी कि भाई बिल्कुल कच्चा माल है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज एडेड, जो ओपनिंग स्टॉक है इसे आप प्लस करेंगे, किसमें, टू द रॉ मटेरियल परचेज, टू द रॉ मटेरियल परचेज उसमें ऐड करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप माइनस कर देंगे। और इसको एग्जांपल के ज़रिए भी बताया गया है कि सबसे पहले हमारे पास रहता है ओपनिंग स्टॉक, सपोज़ ही हमारे पास 10,000 रुपये है, फिर हम और माल खरीद के लिए आए, कच्चा माल, परचेज आ गई हमारी 40,000 रुपये की, तो ये टोटल कितने का हो गया, ये हो गया आपका टोटल 50,000 रुपये का। फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है यानी बच गया माल, तो जो बच गया तो वो 15,000 का आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो 50,000 में से 15,000 माइनस हो गए तो आपका बच गया 35,000, यानी कि इतना आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया माल अपना आगे बनाने के लिए, तो 35,000 का कच्चा माल आपने इस्तेमाल कर लिया, उसका उपभोग कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया। अब दूसरा हमारे पास आता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि आधा अधूरा बना हुआ माल जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में चल रहा है। दिस इज़ द स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड, इसको सेमी फिनिश भी बोलते हैं, यानी कि अधूरा बना हुआ माल। इन कॉस्ट शीट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज एडेड, जो भाई ओपनिंग स्टॉक है उसे ऐड कर लेंगे, किस में, प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अलोंग विद फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज सब्ट्रैक्टेड, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम माइनस कर देंगे। कुल मिला के वैसा ही है जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। अभी देखिए, सबसे पहले हमारे पास तो आ गई आपके ये प्राइम कॉस्ट, फिर प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ दिए, ये 72,000 के, तो ये आपके हो गए 89,000 के, इसको आप क्या बोलेंगे, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आई मेन चीज़ कि जो ओपनिंग स्टॉक है उस ओपनिंग स्टॉक को आप प्लस कर देंगे इसमें, तो फिर ये टोटल आ जाएगा एक, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप माइनस कर देंगे। तो देखिए, ये तो आपका फिक्स है ही कि आपने ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, आपने ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है और आपने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, ये तो आप फिक्स है ही। इसे एडलेस करने पर आपको मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद तीसरे टाइप का जो स्टॉक है हमारे पास वो देख लेते हैं, ये है बना हुआ माल, फिनिश्ड स्टॉक। इन कॉस्ट शीट फिनिश्ड गुड्स आर एडजस्टेड आफ्टर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपने कॉस्ट शीट में देख लिया होगा, और इस चैप्टर में अभी मैं आपको पूरी कॉस्ट शीट दोबारा दिखाऊंगा, तो ये वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगी बात। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज एडेड, अगेन ओपनिंग स्टॉक आप ऐड कर लेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड क्लोजिंग स्टॉक का माइनस कर देंगे जिस तरह से नीचे दिखाया है। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जी 1,15,000, फिर आपने ओपनिंग स्टॉक जो है इसके अंदर ऐड कर दिया, ये बन गया 1,33,000, फिर आपने 13,000 माइनस कर दिया, 1,20,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच गया, जिसे आप कॉक्स भी बोलते हैं। आप इतना लिख देंगे आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, विच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि इनको आप छोड़ देंगे, आप इनको टच नहीं करेंगे, किसमें, कॉस्ट में,
यानी वो कौन सी आइटम्स हैं जिनको कॉस्टिंग में नहीं लिया जाता। हाउ विल यू ट्रीट, आप कैसे ट्रीट करेंगे किसे, स्क्रैप को इन कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि दो क्वेश्चन इसके अंदर आ गए, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है कि आप कौन कौन सी कॉस्ट को, कौन कौन से खर्चों को, एक्सपेंसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं और स्क्रैप की ट्रीटमेंट बताइए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नाम बताने, और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप 12th भी पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको इनके नाम पता होंगे। देखिए, कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट पेड, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, डिविडेंड पेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, डोनेशन, डैमेज पेबल एट लॉ एक्सेट्रा, इनकम टैक्स पेड, पेंशन ग्रेचुटी। आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस होने का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे जो है वो फाइनेंस वाले ही ट्रीट करते हैं, इनका कॉस्टिंग से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इनकी सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, वित्तीय संबंधी, इनका कॉस्ट से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए कॉस्ट डिपार्टमेंट इनको कुछ भी टच नहीं करता है, इनको लेता ही नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कॉस्ट डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो डाटा होता है, जो स्टेटमेंट्स वो बनाते हैं प्रॉफिट के लिए, उसमें डिफरेंस आता है। अगला हिस्सा इसका देखते हैं कि स्क्रैप की ट्रीटमेंट क्या होगी। स्क्रैप में भी डिफाइंड एज एन अनअवॉइडेबल रेजिड्यू मटेरियल अराइजिंग इन सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई पहली बात तो ये अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी ये होगा ही होगा। आप माल बनाओ, ये कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। रेजिड्यू मटेरियल है, रेजिड्यू मटेरियल यानी कि बचा हुआ, ये बचा हुआ माल है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एक लेदर का पीस है, अब इस लेदर के पीस में से सपोज़ आपने कोई एक डिज़ाइन काट के बनाया, ठीक है, ये इस तरह से आपने इसमें से एक हाथ, एक ग्लव्स बनाया, ये तो एलियन टाइप बन गया है, कोई बात नहीं, ये एक एलियन टाइप आपने हाथ बनाया, जादू का हाथ। अब इसे काट के निकाला तो ये जो है, ये वाला जो लेदर है ये बच गया। अब ये बच गया, ये क्या होगा, ये कट के निकल जाएगा, ये सारा कट के निकल जाएगा, ये चला जाएगा किस में, आपके स्क्रैप में। अब इस स्क्रैप को क्या करेंगे, इसको आगे बेच देंगे, वही मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्जांपल ऑफ स्क्रैप, ट्रीमिंग, आपने ट्रीमिंग करी, टर्निंग करी या बोरिंग करी, मेटल की, टिम्बर की यानी कि लकड़ियों की, ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, स्क्रैप यूजुअली हैज़ अ स्मॉल रियलाइजेबल वैल्यू, थोड़ा बहुत उसको आप बेच के पैसा कमा सकते हैं। जो मैंने कहा आपको थोड़े बहुत पैसे उससे मिल जाएंगे, उसकी कुछ बेचने वाली वैल्यू होती है। आप मेटल होता है, मेटल को आप शेप देके कुछ बनाते हैं, उसको घिसते हैं, उसमें से मेटल का बुरादा निकलता है, वही ये बोल रहा है ट्रिमिंग वगैरह। ऐसी लकड़ी का बहुत सारा देखिए, फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी को छीलते हैं, काटते हैं, बहुत सारे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े निकल के रह जाते हैं, उसकी जो छिल्लर होती है जो, ठीक है, उसका बुरादा भी निकलता है, तो वो सब क्या है, वो स्क्रैप है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी, सच रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज़ डिडक्टेड फ्रॉम ईदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, या तो आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस कर दो, जैसा कि हम आपको करके भी दिखाएंगे, अभी जब कॉस्ट शीट आके दिखाऊंगा ना, तो इसमें से हम इस तरह से कर देंगे सेल ऑफ, तो इसको हम सेल ऑफ स्क्रैप कर देंगे इस तरह से, और फैक्ट्री कॉस्ट वेल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, और या फिर आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट में से दिखा दो, ठीक है, या तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में से दिखा दो या फैक्ट्री कॉस्ट में से दिखा दो,
फैक्ट्री के खर्चों में से या फैक्ट्री कॉस्ट निकलने के बाद उसमें से माइनस कर दो, यानी ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये बात तो डेफिनेट है कि इसको आपने अपने फैक्ट्री के खर्चों में दिखाना, क्योंकि आप इसको बेच देते हैं तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए हम इसे खर्चों में से माइनस कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये तीन क्वेश्चन देखे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स।